It's time to begin now. हम लोगों का समय शुरू होता है. नमस्ते नमस्ते बेटा. मैरी क्रिसमस सर. मैरी क्रिसमस टू यू बेटा. चलिए रेडी हो जाइए, जल्दी आओ सुबह. स्ट्रेट बॉडी टू मिनट्स टारगेट. ईसा मसीह के नाम आज वेरी गुड. जल्दी जल्दी पोजीशन लो. मनोज नमस्ते सर. नमस्ते. जल्दी आओ, बहुत दिनों बाद आए हो. हाँ सर, दो दिन छुट्टी होगी. कहीं गया था. ओके करते रहिए. जल्दी जल्दी अभिषेक. गुरप्रीत सिमरन को बुलाओ जल्दी. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, done. Relax today. Simran को बुलाइए गुरप्रीत जल्दी. मन एंड प्लान के लिए हम लोग रेडी हैं. चलिए आप पोजीशन लीजिएगा और समय शुरू होता है अब. जल्दी जल्दी सिमरन जल्दी सीधा हमारे साथ. वेरी गुड. करते रहिए. बहुत बहुत बढ़िया. जल्दी आइए राजेश. नमस्ते. नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर Three, two, one, done. अब से काम के लिए रेडी हैं. पोजिशन और आपका समय शुरू होता है अब.
वेल डन। एक मिनट हो गया, 30 more seconds। रिवर्स प्लैंक लेंगे स्ट्रेट आर्म्स में। और हम लोगों का समय 30 सेकेंड्स के लिए शुरू होता है। पहले स्ट्रेट बॉडी करेगा, उसके बाद अपने टोज लगाइएगा। बिल्कुल रिलैक्स, खड़े होकर यात्रा शुरू होगी और सीधे साइड स्ट्रेच साइड बेंड से शुरू करेंगे। करो गुरप्रीत, मनोज के पास आएंगे आज पहले। मनोज साइड बेंड से शुरुआत करिए जबरदस्त तरीके से, करते रहिएगा। एफर्ट जबरदस्त होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी करिए जबरदस्त। वेरी गुड हर्षित, आज गुनगुन नहीं आएगी हर्षित, कोई नहीं कोई नहीं। सिमरन जल्दी करो, बहुत देर हो गई। डीप इनहेल होता रहेगा, डीप एक्सहेल।
एफर्ट जबरदस्त रहेगा. डीप इनहेल डीप एक्सहेल. डीप इनहेल डीप एक्सहेल. रिलैक्स हो जाएगा. इसके बाद
रहिएगा। आज तो ऑफ होगा ना आप लोगों का ऑफिशियल, है ना गुरप्रीत? आज तो भाग नहीं पाओगे, नो एक्सक्यूज एट ऑल टुडे। आज आप लोगों को सूर्य नमस्कार के बाद 15 मिनट का शवासन कराया जाएगा, जो हम लोग योग निद्रा में करते हैं उसको एक रैपिड फॉर्म में लेंगे 15 मिनट के लिए। तो इसलिए everybody is having off today, so let's enjoy it. करते रहिए राजेश, करते रहिए, रुके मत। आओ विकास, आओ नमस्ते, करते रहिए करते रहिए। विकास फॉरवर्ड बैंडिंग शुरू करो जल्दी से, सीधा बहुत बेहतरीन शिवा, वेल डन, ब्यूटीफुल, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। हंड्रेड परसेंट देना अर्चना, मोर देन इवन 100% इज रिक्वायर्ड। वेल डन, कंप्लीट करेंगे अगले 30 सेकेंड्स में। सिमरन आज तो कोई आफत नहीं है ना जल्दी जाने की, है ना? ये नो आफत एट ऑल। सब अंग्रेज भी मस्ती कर रहे होंगे इसलिए कोई काम नहीं होगा आज। ऑलराइट, कंप्लीट करिएगा, ब्यूटीफुल, रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। आगे की यात्रा सीधा ट्विस्ट लेंगे 7 से 8 बार और आगे बढ़ जाएंगे। आइएगा,
दीप ने करेगा और दीप एक्सेल करते हुए सात से नौ बार करते रहिए पुश जबरदस्त होना चाहिए। वेरी गुड राजेश, वेल डन, करते रहिए बिल्कुल ऐसे ही। विकास वेरी गुड। एफर्ट जबरदस्त होना चाहिए। ऑलराइट, कंप्लीट करेगा। Done, relax. सीधा ही रोटेशनल मूवमेंट अब हम लोग ले रहे हैं, पांच पांच बार क्लॉक और एंटी क्लॉक। पहले क्लॉक लेंगे उसके बाद एंटी क्लॉक करिएगा। लगाइए जोर मनोज, लेग्स में गैप कम करिए, गैप कम करो। घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे। अभिषेक वेरी गुड, राजेश वेल डन, ऐसे ही करते रहिएगा। राइट, कंप्लीट करिए, रिलैक्स हो जाइए। और अब आर्म्स रोटेशनल मूवमेंट लेना है सिर्फ चार तरीके से। स्ट्रेट आर्म्स, स्ट्रेट फिंगर्स, टाइट करिए आर्म्स को, सीधी करो बाजुएं,
राजेश बाजू सीधी नहीं है आपकी, एल्बोज बैंड है। चलेगा, एंटी क्लॉक वाइज 20 टाइम शुरू करिए। एंटी क्लॉक, वेरी गुड वेरी गुड। Well done. 20 times empty and then 20 times clock के बाद रुक जाएंगे। Alright. सीधा straight arms लीजिएगा और backward hit करिएगा parallel to floor। करो शिवा। Very good. कोशिश करिए arms लगभग parallel रहे floor के। मनोज, मनोज थोड़ा ऊपर की ओर arms रखो। वेरी गुड। एक बार ऑल्टरनेट आर्म्स और लीजिएगा, 15-15 बार करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिमरन बहुत बढ़िया। नमस्ते, मुद्रा लीजिए बैकवर्ड। क्या बात है निकाल, जबरदस्त तरीके से ले डालना, ब्यूटिफुल। दोनों पाम से एक दूसरे के अगेंस्ट प्रेस और थोड़ा एल्बोस बैकवर्ड पुश करिए। बिल्कुल कर्टेन के मैचिंग ड्रेस पहनी हुई है विकास आपने। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स हो जाइए। वेल डन, बी रिलैक्स्ड। ऑलराइट, अब अगले 20 सेकेंड्स के बाद भस्त्रिका लिया जाएगा, जो स्ट्रेट बॉडी रखते हुए पूरे 2 मिनट के लिए एट अ स्ट्रेच होगा। रेडी हो जाइएगा। वेल डन, आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पीछे हाथ गलत लगाइए, पैरों में गैप कर दे 90 डिग्री और हम लोगों का समय शुरू होता है अब।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Done. Relax. Relax, Udaye. राजेश, गर्दन की समस्या आपकी बढ़ तो नहीं रही है? माइक ऑन करके बताइए, आपका माइक ऑफ है। ये इधर हाथ में रहता है, इधर ना थोड़ा वो है, उसी का वो है नर्व। तो पहले पहले गर्दन में भी था या गर्दन में शुरू से ही नहीं था? नहीं, गर्दन में मतलब यहाँ बैक से हल्का हल्का शुरू हुआ, बेसिकली शुरू तो यहीं से हुआ, पर वो यहाँ भी ऐसे ऐसे करते हैं, जब ऊपर करता हूँ तो स्ट्रेच आता है, इसमें नर्व कहीं दब रही है। तो उसमें जैसे जब से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हमारे साथ, तब से कोई दिक्कत बढ़ तो नहीं रही है? नहीं, बढ़ नहीं रही है, वही वैसे ही है। बीच में फिजियोथेरेपी कराई थी पर अभी छूट गया। सिकाई वगैरह करता हूँ एक्सरसाइज ये और वो, तो उससे थोड़ा सा है, बट वो है जैसे दिन में हल्का से इधर शुरू हो जाता है अनकंफर्टेबल। वो ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आप जो सिखाई या जो भी कर रहे हैं वो करते रहिएगा जी। अगले 1.5 मिनट के बाद हम लोग शुरू करेंगे, रिलैक्स हो जाइएगा तब तक। विकास, इतना लेट क्यों आते हो? लेट आने में मजा आता है ना विकास? कितना मजा आता है ना, 5-10 मिनट आराम से लेट आओ। और जब क्लास होती थी ना ऑफलाइन, आप 5 मिनट पहले आते थे, याद है आपको? एवरी टाइम, ऐसा कभी दिन नहीं गया कि 1 मिनट भी आपको भी लेट आए हो, बल्कि 5 मिनट पहले। चलेगा, बस अगले 30 सेकेंड्स में, बल्कि 20 सेकेंड्स अब शुरू करेंगे और सीधा लेग स्ट्रेचिंग से सूर्य नमस्कार के लिए रेडी होंगे। कोशिश ये हमारी रहेगी कि हम लोग 7:30 से पहले पहले सूर्य नमस्कार निपटाएंगे, कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 15 मिनट के लिए एक डीप शवासन लेंगे। आइडियली सूर्य नमस्कार के बाद शवासन लेना बेहद आवश्यक होता है, लेकिन हम उसको इतना लेट कर देते हैं कि उसमें फिर हम भागने लगते हैं। लेकिन आज क्रिसमस के, ईसा मसीह जी के जन्मदिन के इस मौके पर पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, क्योंकि सभी का ऑफ होगा इंटरनेशनली, तो नोबडी विल ट्राई टू गो फार एंड फास्टर। एक सेकेंड, हाँ गुरप्रीत, चला जल्दी से माइक ऑन करके बोल दो, आज मैं 7:45 से पहले नहीं जाऊंगा, जल्दी बोलो माइक ऑन करके। मैं सर वही पूछ रहा, 7:30 के बाद सर आप क्या आसन कराएंगे? 7:30 के बाद ना आपको रैपिड, जैसे योग निद्रा हम लोग करते हैं ना, आइडियली दैट इज मोर और लेस शवासन। तो शवासन जो होता है ना, आमतौर पर जो हम लोग समझते हैं वो भी नहीं होता है, सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए खाली लेट जाना। तो शवासन को कैसे प्रॉपरली किया जाता है वो एक बार ऑब्जर्व करेंगे। ओके सर, तो आज तो मैनेज कर सकते हैं ना, एक बार हाँ तो बोल दो। हाँ बस सर, कंफर्म कर रहे 7:30 के बाद ना बॉडी में वो नहीं रहता, तो अगर एक्सरसाइज नहीं है तो फिर दैट्स ओके। शवासन होगा, ये देखो सुमन बराबर में निकल गए हैं। ठीक है, आइए लेग स्ट्रेच से शुरुआत करते हैं, आइएगा। ग्रॉइन एरिया में अपनी हील लेंगे, 90 डिग्री एंगल मेंटेन करेंगे, ब्लैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, डीप इनहेल करेंगे, बैक स्ट्रेट रखते हुए, गर्दन सामने रखते हुए नीचे आएंगे एक्सहेल करते हुए। वेल डन अंकुर, आप जाके दर्शन दे रहे हो,
सर क्रिसमस है सर, थोड़ा क्रिसमस है तो आराम से कर रहा था कैमरा ऑफ करके. डोंट वरी यू आर नॉट अमंग दोस लकी स्टूडेंट्स. सर हो रहा है ना सर, आपके लिए मोटिवेशन है सर. हाँ करिए करिए करिए. थोड़ा थोड़ा होल्डिंग टाइम दीजिएगा पोस्चर को. करिए तो अंकुर आप क्या करते हो, लॉगिन तो 6 बजे ही कर देते हो और आते रहो क्लास में. नहीं सर मैं रहता हूँ, एक्चुअली क्या होता है ना मैं बिल्कुल एकदम टाइम पे आता हूँ एचपी की, मैं कैमरा भी सेट नहीं कर पाता और आप लाइन चालू कर देते हो. वो फोन साइड में रख के चालू कर देता हूँ. क्या बात है, कमाल हो गया इस बात में जो आपकी ना, क्या टाइम का मैनेजमेंट करते हो आप, जबरदस्त. हाँ सर बिल्कुल अमेजिंग ब्यूटीफुल. करिए बॉडी आपकी ऐसे ना हो, ध्यान रखेंगे स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी नीचे आए. करते रहो करिए. राजेश जरा जोर लगाइए, जरा देखें. हाँ वेरी गुड. सामने की ओर देखिए, नीचे मत देखिए, सामने देखिए. वेरी गुड, पुश करते रहिए. अपने टो को देखिए, टो को हमेशा टो पे निगाह रखिए, वो आपकी गर्दन को लगभग सही रखता है. करते रहिए, पुश करते रहिएगा. वेरी गुड वेरी गुड. अभिषेक क्या बात है, अभिषेक ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, कीप गोइंग. दोनों तरफ दो दो बार आराम आराम से करते रहिएगा. उसके बाद थाई के ऊपर लेकर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड बेटा. करते रहो ऐसे, पुश करते रहो अपने लिमिट्स को. थाई के ऊपर ले लेंगे इसके बाद. शिवा आजकल बोलते नहीं हो, कुछ क्या बात हो गई. आजकल आपकी तरफ से ओके ओके. करते रहिए, पीछे से पकड़ने की कोशिश करो, हाथ घुमा के टो को पकड़ने की कोशिश करिए.
करिए दबान करिए कहां खो गई आप और नी में पेन नीचे थोड़ा कम बैंक करिए फिर जी साइलेंस टच देना शुरू करेगा वेरी गुड करते रहिएगा राजेश जबरदस्त तरीके से कीप पुशिंग योरसेल्फ के बाद जीरो गैप लेंगे जीरो गैप में आ जाइएगा इसके बाद
लेकिन बैक में पेन नहीं होना चाहिए तो ही जीरो गैप लेंगे, पश्चिम होता ना सर, अदरवाइज मैक्सिमम गैप लेके करेंगे। बैक स्ट्रेट करेंगे, डीप इनहेल और एक्सहेल करते हुए पुश करते रहो। पुश करिए जबरदस्त तरीके से। मैक्सिमम गैप ले रहे हैं, इसके बाद एवरीबॉडी जितना ज्यादा हो सके पहले गैप बनाइएगा लेग्स में, टोस को अपने और खींचेगा, अन्यथा मैम बहुत इंपॉर्टेंट है नीज के लिए, इसमें थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। टोस को पहले खींचे, एक्सट्रीम स्ट्रेच आपके इस एरिया में खींच के रखिए, और जब अब आप नीचे आना शुरू करेंगे ये गैप कम नहीं होना चाहिए बल्कि इनफैक्ट और बढ़ेगा, और बढ़ाइए टोज अपनी और खींच के रखेगा। जबरदस्त स्ट्रेच मिलना चाहिए स्पेसिफिकली टू योर नी लिगामेंट एंड इनर थाई। वेल डन, बटरफ्लाई लेंगे इसके बाद, कंप्लीट करने के बाद बटरफ्लाई लीजिएगा। करिए करिए, बटरफ्लाई में भी हमें नीचे आना होगा और कमर को सीधा रखना होगा। आइडिया ये होगा बैक बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, ये चाहिए हमें, बैक स्ट्रेट करिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे नीचे नहीं आएंगे ये, and then we will come down like this. पहले ये वाली पोजिशन रखेगा, then ये नहीं ये, पुश करिए जबरदस्त,
सिमरन वेल डन। नीता मैम एक बार हाथ लगा के बताइए, नी में कहां पे पेन होता है, एक बार हाथ लगाइए। ओके ठीक है, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है ज्यादा। यहां आपने क्या, आपको कुछ हिट हो गया था क्या जमीन या कुछ ऐसा? ये वैसे प्राइमरली नी तो नहीं है, ये नी के नीचे का हिस्सा है। हाँ, ये कुछ हिट होने से या कभी कभी मसल रप्चर हो गई आपकी, थोड़ा बॉडी वेट आ गया होगा कुछ सूर्य नमस्कार या कुछ ऐसा करने में। डोंट वरी, ये 3 महीने लेगा, 2 से 3 महीने ना तो हील हो जाएगा। जी जी, और थोड़ा सर्दी है इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है ज्यादा। हाँ बोलो अनुकूल सर। ये ना मैंने देखा है जब आप वो बैलेंसिंग कराते हो ना पोस्चर, तो उसमें एक लेग पे खड़े होके जब ऐसे जाते आगे, हाँ तो उसमें कभी कभी यहाँ पे पेन हो जाता है। हाँ, ये 2-3 तरह के पोस्चर्स में दिक्कत आती है, इसीलिए मैं आपसे विशेष रूप से जब हम लोग बैक बेंडिंग के दिन उस तरह का कुछ पोस्चर्स करते हैं जिसमें किंग पिजन पॉज के वेरिएशंस को लेते हैं उस दौरान, या कैमल पोस्चर के दौरान, या सूर्य नमस्कार में भी जब आप अंजने आसन या अश्व संचालन आसन लेते हैं, उस केस में आपको विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है, ऑलराइट, कंप्लीट करेगा। हम लोग अब भुजंग आसन के लिए बिल्कुल रेडी हैं। शवासन के लिए राजेश रेडी नहीं है, भुजंग आसन के लिए है। जल्दी पलट जाओ, शवासन बाद में मिलेगा आपको 10 मिनट का, फिलहाल आप तो शवासन का आनंद ले रहे हो। आइए भुजंग आसन कोबरा पोज। पोजीशन लीजिएगा, जबरदस्त तरीके से होना चाहिए। डीप इनहेल करते हुए आप दो बार लीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही जबरदस्त तरीके से, रुकी रहेगी। भुजंग आसन लेंगे, इसके बाद रिलैक्स रहेंगे 20 सेकंड्स के लिए और ऑफिट लैग को आप देखेंगे, फिर आपकी रुकी रहेगी। ध्यान से लीजिएगा, आइए डीप इनहेल करते हुए आप
सिर्फ अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, विशेष रूप से देखेगा वेस्ट लाइन से नीचे नीचे बॉडी उठने ना पाए जमीन से। अभिषेक समझ में आया क्या कर रहे हैं? गुड, दो बार करके रुकेगा। हर्षित कर लिया? लास्ट अब लेंगे सर्वासन, कंप्लीट करके रुकिए। पहले हाथों का पीछे लॉक लगाएंगे, स्ट्रेट आर्म्स करने की कोशिश होगी पूरी पूरी, और बाद में ऊपर उठेगी, टोज और हील्स सभी के मिलेंगे, करिएगा। मैक्सिमम गैप बेशक घुटने में या आसपास कोई दिक्कत ना हो। रिलैक्स रहिए, अगले एक मिनट के बाद सूर्य नमस्कार शुरू। तब तक करिए रिलैक्स।
पोजीशन लेने की कोशिश करो, जल्दी आओ मनोज, बस शुरू करने हैं, जल्दी आइए, पोजीशन लीजिए, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून। मैट कैच कराएंगे, नमस्ते मुद्रा, जल्दी आइए, हमको जल्दी आओ, ऑलराइट हम लोग शुरू कर रहे हैं। नमस्ते मुद्रा, डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग दे रहे हैं, बॉडी वेट रिलीज करते हुए नीचे आइएगा, पुश रखिएगा गर्दन को पीछे की ओर, ऊपर की ओर, दोनों हाथ जमीन पर आ चुके हैं और लेफ्ट लेग पीछे, फिर डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च देंगे जबरदस्त, एक्सहेल करते हुए दूसरी लाइन में पीछे, वन बाय वन पूरा पूरा बॉडी वेट डालिए, पूरा हील लगा दीजिए जमीन पर, उस पर्टिकुलर पैर के बॉडी वेट पूरा उस पर डाल दीजिए, बहुत एक सुंदर ही अनुभव है, पूरी काफ मसल से लेकर हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स तक। आगे आएंगे दंडासन में, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा और शोल्डर्स का मूवमेंट, एक एक बार साइड प्रेस्ट, एक फ्लो बना के रखिएगा बॉडी में, फ्लो। अब जो लेग पीछे गई थी इसको हवा में ऊपर, पहले नीचे वाला फ्लैट रखेगा फुट जमीन पर, उसके बाद टो पर, यहां से हमने एक पुशअप ऐड किया है, कोशिश करिए अगर कुछ ऐसा हो जाए, बहुत ही दुर्लभ है, ऐसे ही ऑपोजिट साइड लेंगे, बड़े आराम आराम से गिरेगा, पहले बैक फ्लैट रखिएगा, लेग स्ट्रेट, उसके बाद टो पर, बाद अगर हो सके तो पुशअप, दोनों घुटने जमीन पर, यहीं से कैट पोज, डीप इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर कमर अंदर, ब्रीथ पेशेंट का ऑपन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी अवस्था में चेस्ट डाउन, मकरासन,
भूमि को नतमस्तक, इनहेल, और आप एक्सहेल करते हुए दोनों हील्स कोशिश करिए जमीन से लगे, पैर बिल्कुल सीधे हों, पर्वतासन जो लेग पीछे गई थी उसी को आगे लेकर आएंगे लिजार्ड पोज में। अब पीछे वाली लेग स्ट्रेट होगी, घुटना जमीन से नहीं लगेगा। जो शुरुआती दौर में वो आगे फोरहेड टच करेंगे और जो पहले से कर रहे हैं वो चेस्ट, तो टारगेट रहेगा ये। आगे ले जाएंगे अंदर, फिर डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए दूसरी लेग भी वापस, कंप्लीट फॉरवर्ड बेंडिंग। यहीं से नमस्कार मुद्रा, थोड़ा सा इनहेल, और एक्सहेल करते हुए नमस्ते मुद्रा कंप्लीट। हिसाब से ये आपका प्रयास रहेगा, लेफ्ट और राइट लेग का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे और आप जैसी स्पीड रखना चाहें वैसे रखें। हम लोग इसमें और स्टेप्स टू स्टेप्स ऐड करते रहते हैं, आपको मालूम ही है, लेकिन आप अभी इतना ही फॉलो करिए जो बिगनिंग में है, बाकी आगे बीच बीच में और आगे करते रहेंगे। करो विकास। अब की बार एक बार राइट लेंगे बिल्कुल ऐसे ही, जिसको थोड़ा डाउट हो वो देखेगा राइट से, फिर नमस्ते मुद्रा। राजेश आइए शुरुआत करते हैं एक बार आपके साथ दोबारा। डीप इनहेल करते हुए बैकवर्ड आर्च, एक्सहेल करते हुए हील्स पर बॉडी वेट शिफ्ट करते हुए फॉरवर्ड बैंडिंग। दोनों हाथ जमीन पर और राइट लेग पीछे, जबरदस्त इनहेल करिए और बैकवर्ड आर्च दीजिए और अपनी लेग को बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड पुश करते रहिए। अब दूसरी लेग भी एक्सहेल करते हुए पीछे, पूरा पूरा बॉडी वेट डालिए वन बाय वन एक एक लेग पर। तीन तीन बार कम से कम करने के बाद आगे आ जाएंगे दंडास्कुंभकासन में।
बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी होगी आपकी, और उसके बाद शोल्डर्स का मूवमेंट, एक बार साइड ट्विस्ट, जो लेग पीछे गई थी उसी को ऊपर, दैट इज योर राइट वन, पहले नीचे वाला फुट फ्लैट, then on your toes, और अब इसी अवस्था में push up, same with other leg, इसी अवस्था में पुश अप, दोनों घुटने जमीन पर, कैट पोज, ब्रीथ नॉर्मल, चेस्ट डाउन, अष्टांग नमस्कार, मकरासन, भूमि को नतमस्तक, इनहेल, exhale, जो लेग पीछे गई थी उसको लेटार्ड पोज में, outside, the shoulder line is straight, chest is zameen, andar, deep inhale, exhale, straight body, यहीं से नमस्कार मुद्रा, थोड़ा सा इनहेल, और एक्सहेल, कुछ कुछ समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ज्यादा, वेरी गुड, करते रहिएगा, ऑन एन एवरेज 15 मिनट में दो सूर्य नमस्कार निपट रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि 4 तो कम से कम करेंगे, बहुत सुंदर,
आओ आओ निशान दाओ। अगले 20 मिनट के बाद हम लोग शवासन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। ये प्रक्रिया निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ेगी। राजेश, अब मैं अपने आप को ना स्क्रीन से हटा लूंगा क्योंकि अब मैं और वेरिएशंस करूंगा, ठीक है? तो मैं किसी और बंदे को स्क्रीन पर रखता हूं जो बस यहीं तक करे जैसा भी किया है। करते रहिएगा। वेरी गुड।
सर जी सर मैं शवासन के लिए रेडी हूँ। कौन बोल रहा है? गुरप्रीत सर। पांच अभी 7:30 करेंगे ठीक है? ओके सर। बहुत बहुत बढ़िया। अभी 5 मिनट में कोशिश करेगा कंप्लीट करने की। बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। निशांत क्या हो गया? क्या हो गया निशांत? कर लिया अभिषेक, वेल डन। सर शोल्डर्स सपोर्ट नहीं करते उतना। क्या दिक्कत आती है? शोल्डर्स में ऐसा लगता है ताकत ही नहीं हो पाता। 2-4 पुशअप्स मारने के बाद या 10 पुशअप मारने के बाद ना शोल्डर्स एकदम से जवाब दे देते हैं। धीरे 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 स्ट्रेंथ आ जाएगी। डोंट वरी, एवरीबॉडी गोज थ्रू द सेम पेन स्वैट। दैट इज प्रीटी ऑब्वियस एंड दिस इज द ओनली वे। ठीक है सर जी। इस दुनिया में जो स्वर्ग है ना स्वर्ग अभिषेक, जो स्वर्ग है ना स्वर्ग, जो रास्ता है ना वो नरक से होके निकलता है। तो भाई हम नरक से गुजर रहे हैं। बाद में स्वर्ग मिलेगा। चलेगा अच्छा जी। शवासन के लिए आप लोग अब रेडी हो जाएंगे अगले 2 मिनट के बाद, जो कि पूरे 15 मिनट चलेगा। तो प्रयास ये करिएगा, जो लोग जिन्होंने पहली बार योग निद्रा अभी तक नहीं किया उनके लिए तो बहुत ही सुंदर अनुभव रहेगा। और हम सभी को सर्दी भी लगेगी इसलिए क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो ब्लैंकेट या ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके तभी करिएगा। शवासन एक्चुअल में होता क्या है हमें उसका आइडिया नहीं है। हम लोग शवासन का अर्थ ये समझते हैं कि एक बार फ्लैट लेट जाए जमीन पर तो दैट इज कॉल्ड शवासन, बट दिस इज नॉट द फैक्ट। दैट इज नॉट शवासन, दैट इज द पोस्चर ऑफ शवासन, नॉट द शवासन। तो कंप्लीट सिर्फ अंकुर का रह गया है, लेट अंकुर कंप्लीट इट एंड देन वी गो अहेड। गुरप्रीत जल्दी आओ, 1 मिनट रह गया है। सर वो कुछ शीट लेके आनी है? नहीं शीट नहीं, आपको सर्दी लगेगी भाई। अच्छा ओके, तो ब्लैंकेट या कुछ तो करोगे ही ना, अदरवाइज तो सर्दी लगेगी, क्या फायदा है। ओके सर मैं लेके आता हूँ। जल्दी लेके आइए, हम आप ही की वजह से रुक रहे हैं बस। अब करिए बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन जरूरी है। 15 मिनट पूरे लगाएंगे, इसका आनंद लेंगे।
सर्दी लगेगी ये इंश्योर कर लीजिएगा सो दैट यू हैव अ ग्लव्स और ब्लैंकेट और सॉक्स इज अप टू यू बट यू विल डेफिनेटली फील कोल्ड बिकॉज दिस इज प्रीटी श्योर सो एंश्योर दैट यू हैव सम ब्लैंकेट और समथिंग लाइक दैट अभिषेक आप मेरी बात समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है गुड और सिर के नीचे अगर हो सके तो बहुत ही पतला पिलो क्योंकि सिर के नीचे थोड़ा प्रेशर आता है इसलिए वो थोड़ा ध्यान रखेंगे ऑलराइट आप चाहें तो अपने कैमराज ऑफ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को कॉन्शियसनेस रहती है अगर आप हमारे कैमराज ऑन होते हैं तो आई बिलीव दैट अगर आप कैमराज ऑफ कर दें तो यू विल बी एबल टू एंजॉय मोर कैमराज ऑफ कर दीजिएगा उससे क्या होगा कि आपको इजी फील होगा ज्यादा वरना एक आय आपकी हमेशा एक्टिव रहती है वेरी गुड सो लेट्स बिगिन कोशिश करिएगा आपको डिस्टर्बेंस मिनिमम हो आसपास से और अब शवासन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले शवासन के पोस्चर में लेट जाइएगा वो आप सभी को मालूम ही है बिल्कुल सीधी आपकी बॉडी होगी जमीन पर कमर के बल आप लेट रहे हैं और आपके दोनों हाथ यानी बाजुएं शरीर से थोड़ा सा दूर हैं हथेलियां आपकी आसमान की ओर हैं और पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप है शरीर बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए बिल्कुल लूज शिथिल शरीर का कांटेक्ट जमीन के साथ या जिस सरफेस पे आप लेटे हैं महसूस करिए पूरी बॉडी का कांटेक्ट ऊपर से नीचे अपनी श्वास पर ध्यान लेकर आइए सारा फोकस अपने दोनों पैरों पर लेकर आइए दोनों लेग्स के टोस पर अपना फोकस लेकर आइए कॉन्सेंट्रेशन दोनों हील्स पर दोनों फुट सोल्स पर आपके पैरों का फुट सोल दोनों फुट सोल्स पर अपना ध्यान केंद्रित करिए शरीर आपका धीरे धीरे बिल्कुल लूज होता जा रहा है और आपका ब्लड फ्लो शिथिल पड़ता जा रहा है सारा फोकस अपनी दोनों काफ्स मसल्स में लेकर आइए
सारा फोकस काव्स के ऊपर, शिन, दोनों लेग्स शिन पर लेकर आइए। पैर धीरे धीरे शिथिल होते जा रहे हैं। फोकस दोनों घुटनों पर लेकर आइए। दोनों घुटनों के नीचे फोकस, जो जमीन से टच है सरफेस, फोकस ऊपर बढ़ता हुआ दोनों थाइस पर, दोनों थाइस के नीचे हैमस्ट्रिंग्स पर, दोनों हिप्स पर, जेनिटल आपके जनांग पर, आपका लोअर बॉडी पार्ट अब सोने लगा है। शरीर बिल्कुल लूज, सारा फोकस लोअर एब्डोमेन पर, नेवल पर, लोअर बैक पर, मिडिल बैक पर, अपर एब्डोमेन पर, चेस्ट पर, अपर बैक पर, दोनों शोल्डर्स पर, बाइसेप्स पर, एल्बोज पर, दोनों फोरआर्म्स पर, दोनों रिस्ट पर, दोनों पाम्स पर,
दोनों हाथों की फिंगर्स पर गर्दन पर सिर के निचले हिस्से पर जो सरफेस से टच है सिर के टॉप पर फोरहेड पर दोनों आईज पर कानों पर नोज पर चीक्स पर गालों पर लिप्स पर चिन पर गले पर चेस्ट पर हार्ट बीट पर फोकस करिए। शरीर आपका बिल्कुल लूज। पांच बार लंबी गहरी श्वास भरिए और इसको पूर्ण करिए। रिलैक्स हो जाइएगा। शवासन पूर्ण हुआ, बहुत सुंदर। किसी किसी को नींद भी आ गई होगी ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। सभी को नमस्ते, जो सो गए सोते हुए उनको नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, नींद आ गई थी सच्ची में। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, जो मैं कह रहा हूँ ना, जो सो गए हैं वो सोते हुए नमस्ते ग्रहण कर लें। अगली बार बैठ के लाके लोगों के लिए। नमस्ते सर। जय शिवा। नमस्ते राजेश। नमस्ते सर। नमस्ते 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 जी शिव। मैं कह रहा हूँ सर, मैं अगली बार जब भी आप कराओगे मैं तैयार होकर बैंक पे लेट जाऊंगा। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते अर्चना।